दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मंत्री रहे संदीप कुमार की सेक्स सीडी पर हंगामा बरपा है, लेकिन इस तरह की सीडी की सियासत का दुनिया से पुराना नाता रहा है। बरसों से ऐसे स्कैंडल्स और सीडी सामने आते रहे हैं जिनमें बड़े बड़े नेता फंस चुके हैं। ये रिपोर्ट जिसमें हम सेक्स सीडी और सियासत का गंदा लिंक रिश्ता उजागर कर रहे हैं। संदीप कुमार की सेक्स सीडी ने एक बार फिर सियासत की दुनिया में हंगामा मचा दिया। संदीप कुमार हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, संदीप कुमार हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। आखिर एक ऐसी पार्टी जो साफ सुथरी राजनीति का दावा करती हो, उसका बड़ा मंत्री सेक्स स्कैंडल में फंसता है तो हंगामा तो मचेगा ही। लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पहले भी कई दफा बड़े बड़े नेताओं की सेक्स सीडी सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश के बड़े नेता और वित्त मंत्री रहे राघव जी को उस वक्त कुर्सी छोड़नी पड़ी जब साल 2013 में एक सेक्स सीडी में वो दिखाई पड़े। तब 79 साल के राघव जी पर उनके नौकर ने अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था और उसकी सीडी बना ली थी। राघव जी न सिर्फ सरकार और पार्टी से हटाए गए बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हुई। कांग्रेस के बड़े नेता नारायण दत्त तिवारी भी सेक्स स्कैंडल में फंस चुके हैं। साल 2009 में तिवारी की एक सेक्स सीडी सामने आई थी जिसके बाद उन्हें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एक तेलुगु चैनल पर तिवारी को वीडियो में 3 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया था। एनडी तिवारी ने इस मामले में सार्वजनिक माफी मांगी थी और कहा था कि उनको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी सेक्स सीडी के आरोप में घिर चुके हैं। साल 2012 में एक कथित सीडी सामने आई थी। आरोप लगा जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी थे। इस सीडी के बाद सिंघवी ने कांग्रेस में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस सीडी पर अदालत ने रोक लगा रखी है। राजस्थान में कांग्रेस के ताकतवर नेता महिपाल मदेरणा और नर्स भवरी देवी का सेक्स सीडी स्कैंडल भी खूब सुर्खियों में रहा था। महिपाल मदेरणा उस समय गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। भवरी देवी की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड में महिपाल मदेरणा फंस गए। इस सेक्स स्कैंडल की वजह से महिपाल मदेरणा का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। मदेरणा फिलहाल जेल में बंद है। कभी बीजेपी के ताकतवर नेता रहे संजय जोशी से जुड़ी कथित सीडी भी खूब हंगामा मचा चुकी है। मध्य प्रदेश में आई इस सीडी की वजह से संजय जोशी को बीजेपी में महासचिव पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि पुलिस जांच में ये सीडी फर्जी पाई गई, लेकिन संजय जोशी का राजनीतिक ग्राफ इस सीडी की वजह से ऐसा गिरा कि आज तक नहीं उठ पाया। आज से 38 साल पहले भी एक सेक्स स्कैंडल ने सियासत की दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले जगजीवन राम को तब शर्मसार होना पड़ा था जब उनके बेटे सुरेश राम की एक लड़की के साथ अश्लील तस्वीरें सामने आईं। ये तस्वीरें तब एक मैगजीन में छपी थी। ये तस्वीरें सामने आते ही बाबू जगजीवन राम के लिए मुसीबतें खड़ी हो गईं। वो उस वक्त देश के रक्षा मंत्री थे। बताते हैं, बेटे की अश्लील तस्वीरों की वजह से ही जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो सका था।